नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हाफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। जनपद हापुड़ के एक खाद्य अधिकारी द्वारा व्यापारियों से जबरन रिश्वत वसूलने पर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। ये ताजा मामला बक्सर से भोवापुर मस्तान नगर जाने वाले मार्ग पर स्थित दुकानदारों का है। बक्सर में तैनात एक खाद्य अधिकारी ने दुकानों से सैंपलिंग के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत वसूल ली तो दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। दुकानदारों ने थाना सिंभावली में खाद्य अधिकारी के खिलाफ तहरीर दी है। हापुड़ में मास्क न लगाकर घर से निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया और लोगों के 100-100 रुपए के चालान काटे। पुलिस का यह अभियान हापुड़ के अलग अलग चौराहों और मुख्य मार्गों पर चलाया गया। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने एक वीडियो जारी कर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। हापुड़ पुलिस आपसे अपील करती है कि घर से अनावश्यक बाहर ना निकले, घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाकर निकले, समूह में घर से बाहर ना निकले। जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है। मामला गुरुवार का है, जब जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा पुलिस को सूचना मिली कि थाना पिलखवा के ग्राम देहपा में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। गोली की खबर सुनते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार मृतक साल 2010 से तिहाड़ जेल में बंद था, जो कि पिछले साल पेरोल पर बाहर आया था। गुरुवार को पेरोल का अंतिम दिन था और गुरुवार को मृतक को वापस जेल जाना था। पुलिस को प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब तक की जांच में यह प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद हापुड़ के बाबागढ़ में कंटेनर हाईवे किनारे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे हाईवे की सर्विस रोड का रास्ता बंद हो गया। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब बाइकों से लदा एक कंटेनर हापुड़ से मुरादाबाद की ओर जा रहा था। जनपद हापुड़ के बाबागढ़ में स्थित NH9 पर कंटेनर अनियंत्रित हो गया, जिससे वो सर्विस रोड पर पलट गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुई। कोविड वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण मां चंडीपाल की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मां आदिशक्ति श्री चंडी जी पाल की सेवा समिति हापुड़ की संपन्न हुई बैठक में लिया गया। संस्था के संस्थापक रविंद्र कुमार पोपट ने बताया कि कोविड वायरस के चलते संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जनपद हापुड़ में गुरुवार को 21 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन मरीजों का विवरण आपको बता दें, SP दफ्तर हापुड़ से एक, शिवनगर हापुड़ से एक, ग्रीन पार्क कॉलोनी हापुड़ से एक, चंद्रलोक कॉलोनी हापुड़ से एक, न्यू आर्य नगर पिलखवा से एक, नई बस्ती पिलखवा से एक, संजय विहार आवास विकास कॉलोनी मेरठ रोड हापुड़ से एक, दिल्ली रोड चमरी हापुड़ से एक, मठ मलियान देहात पिलखवा से दो, अहमदनगर हापुड़ से एक, बक्सर सिंभावली से एक, भरना सिंभावली से एक, सिंभावली से एक, मुदाफरा हापुड़ से एक, गढ़ी पिलखवा से एक, धुलाना से एक, सिम्स कैंपस से दो, शैलेश फार्म कॉलोनी पिलखवा से एक, धुलाना मार्केट से एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। हापुड़ की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए हापुड़ न्यूज़।